हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद डॉयल्स। तो आइए, ड्राइव विद डॉयल्स में आपका स्वागत है और हम आपको लेकर चलते हैं फिर से एक नए सफर पर, लखनऊ से नागपुर, जो कि लगभग 900 किलोमीटर तक का सफर था। और अब यह नागपुर, यह हमारी होटल जिसका नाम है होटल अशोका, जहां हमने रात में रेस्ट लिया है। और ये ब्यूटीफुल व्यू, सुंदर सा स्विमिंग पूल, बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत अच्छा वेदर, 27 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर था। और हम जो आए हैं लखनऊ से, काफ़ी गर्मी से हम यहाँ आए हैं। एंड पीसफुल एनवायरनमेंट और टेस्टी डिलीशियस ब्रेकफास्ट जो अभी हम करने जा रहे हैं, हमारी ब्यूटीफुल फैमिली जो नाश्ते के बाद निकल रही है हैदराबाद के लिए। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हैदराबाद, जो कि नागपुर से है लगभग 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। और हमने जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस प्लान करी है कि हम एक दिन में ट्रैवल करेंगे, मिस्टर डॉयल ने मुझसे पूछा कि तुम कितनी देर तक गाड़ी में बैठ सकती हो, कब तक मैं गाड़ी चलाऊं, तो 900 किलोमीटर तक तो मैं बैठ गई, तो ये तो सेट हो गया कि हाँ 800 से 900 किलोमीटर तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ। अब मैं क्यों बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरे हुई है बैक की सर्जरी 3 साल पहले, मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई है, तो लॉन्ग सिटिंग मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए मिस्टर डॉयल को थोड़ी सी तो चिंता है मेरी कि हाँ मैं ज़्यादा देर बैठने से कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। बट एनीवेज, वी आर हियर फॉर द फन, तो फ़न के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। और इतनी मुश्किल लाइफ में हमको छुट्टी इतनी मुश्किल से मिली है, तो मैं एक एक दिन का मज़ा लेना चाहती हूँ। और अगर उसके लिए मुझे लंबे समय तक अपने कमर में पट्टा बांध कर बैठना पड़े, सो आई एम रेडी फॉर दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्जॉय दिस ट्रिप, आई वॉन्ट टू इन्जॉय दिस क्वालिटी फैमिली टाइम। सो बट यहाँ हमने सिर्फ 500 किलोमीटर ही टारगेट रखा है, बिकॉज वी वॉन्ट टू विजिट हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में बहुत सुना है, और लखनऊ में रहते हुए हैदराबादी खाना खाते खाते हम थक गए हैं। अब हम ऑथेंटिक हैदराबादी फूड भी टेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ चार मीनार भी देखना चाहते हैं, हैदराबाद का बाज़ार भी घूमना चाहते हैं। तो इसीलिए जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। देखिए कितनी खूबसूरत रास्ता है ना, ऊपर से मेट्रो ट्रेन जाती हुई, नीचे हाईवे। लखनऊ में भी ऐसा देखने को मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है, बट ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल व्यू। और ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम जब नागपुर से निकलेंगे हैदराबाद के लिए तो स्टेट तेलंगाना क्रॉस करनी है हमें, एंड देन वी विल एंटर इनटू आंध्र प्रदेश। और इस बीच में हमें काफ़ी सारा जंगल वाला एरिया मिला। जंगल है लेकिन काफ़ी ऐसा एरिया है जहाँ लगता है कि शायद यहाँ पे फार्मिंग होने वाली है या खेती होने वाली है, फसल तो कहीं नहीं दिखी, बट जंगल ही जंगल था। बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल रोड, और काफ़ी अच्छी सड़कें हैं यहाँ पे, तो मुझे बैक में ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं फील हो रहा है। आई एम कम्फर्टेबल, गाड़ी हमारी कम्फर्टेबल है, तो आई एम ऑल्सो कम्फर्टेबल एंड आई एम इन्जॉइंग दिस ट्रिप। और यहाँ हम साथ साथ दो दो काम में कर रही हूँ। एक तो पहला काम है कि नेक्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट सिटी हैदराबाद के बाद व्हाट नेक्स्ट, एंड उसके साथ साथ जो है मेरी प्लानिंग चल रही है बुकिंग की भी, क्योंकि अभी तक हमारी बुकिंग नहीं हुई है। तो हैदराबाद में हम कहाँ रुकेंगे, वो पूरी बुकिंग के डिटेल्स अभी मैं निकाल रही हूँ बैठकर गूगल पे। और एक और चीज़ है जो यहाँ दिमाग में आइडिया आया, कि क्योंकि हमें इसी रूट से वापस आना है, तो मैं हाईवेज पे होटल सर्च कर रही हूँ, पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ हाईवे पे, जो भी होटल्स अच्छी मुझे डिसेंट होटल दिखाई दे रही हैं उनके नाम नोट कर रही हूँ। और सेज मियान, ये कोई जगह है, आई डोंट नो, प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन अब मेरा गड़बड़ होने वाला है। अभी तक तो बहुत अच्छे से सिटीज़ के नाम प्रोनाउंस कर रहे थे, बट अब साउथ में हम एंटर हो रहे हैं, सो सॉरी इन एडवांस। सो हाँ, मैं ये डिस्कस कर रही थी कि मैंने होटल्स के नाम और उनकी पिक्चर्स क्लिक करके सेव करना शुरू की है। नॉर्मली हम गूगल्स पे गूगल या booking.com पे जाकर होटल्स को सर्च करते हैं उनके रिव्यूज़ के बेसिस पे, कि कैसी पिक्चर्स देखते हैं और फिर उसके रिव्यूज़ देखते हैं, देन वी डिसाइड कि ठीक है चलो ये हो सकता है, ये होटल अच्छी हो। तो यहाँ क्योंकि नागपुर का एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, हमें हमारी जो होटल थी वो शहर के अंदर थी, तो नागपुर में एक तो बारिश हो रही थी जब हम नागपुर एंटर हुए, काफ़ी तेज़ बारिश थी, और उस बारिश ने हमें थोड़ा सा लेट कर दिया। और फिर होटल पहुँचते पहुँचते शहर के अंदर हमको रात का लगभग 12 बज गया था, डिनर भी हमने बहुत लेट किया, उसका भी एक नुकसान हुआ क्योंकि काफ़ी लेट डिनर था और हमने ऑलरेडी पैक करवा रखा था, एक मटन की डिश हमने पैक करवा रखी थी, तो वो हैवी डिनर करके फिर हमें ज़्यादा देर जागने का मौका नहीं मिला। देखिए रोड तो काफ़ी अच्छी बोली मैंने, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है रोड, बट इट इज़ ओके, इतना सा तो चलता है। लेकिन अभी आगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा, तो आप पाएंगे कि रोड्स बहुत अच्छी हैं, रोड्स में कहीं कुछ
गड़बड़ी नहीं है कि आपको लगे उफ कैसा सफ़र है ये। हाँ, सो वहाँ ये डिले हो गया हमको रात में होटल पहुँचने में। तो नेक्स्ट ये सोचा है कि अगर इसी रूट से वापस आना है तो हम हाईवेज़ की होटल को देखते हुए जाते हैं और उनके नाम नोट करके पिक्चर्स के साथ उनके रिव्यूज़ गूगल पे सर्च करेंगे, एंड इफ दे आर ओके तो फिर लौटते सक में हम हाईवे पे ही होटल लेंगे। देखिए सुंदर सा मिस्टर डॉयल का पिक्चर, ये हम क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए, क्योंकि रास्ते में हमें जहाँ कहीं भी अच्छा व्यू मिल रहा था वहाँ हमने रुक कर थोड़ी देर इंजॉय किया है उस जगह को, कुछ फन गेम खेले हैं, रिकॉर्डिंग करी है, शूटिंग करी है, अपनी मेमोरीज़ इकट्ठी करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज इकट्ठी करने की कोशिश की है, क्योंकि यही रह जाता है, आपके दिमाग में यादें होती हैं पर अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो फिर वो पिक्चर्स में ही होता है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को इतना मेमोरेबल बना दिया है, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। नेक्स्ट टिप, जब आप ऐसी कोई बड़ी ट्रिप प्लान करते हैं, अगर आप फूडी हैं या आपके साथ बच्चे हैं, बच्चे फूडी हैं, तो आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम ऐसे सफ़र पर निकलते हैं तो अपने साथ काफ़ी सारा खाने का सामान जो घर का बना हुआ होता है या बाज़ार से ख़रीदा हुआ होता है रखते हैं सेफ्टी के लिए। वो होता सेफ्टी के लिए है बट सफ़र में चलते चलते वो हमारे पेट में जाता ही है। नॉर्मली हम ऐसी ट्रिप में ढाबों पर खाना खाते हैं, देखिए एक्सीडेंट हुआ है, उफ ये देख के थोड़ा सा मन डरता तो है, बट व्हेन यू आर ड्राइविंग सेफ तो फिर टेंशन नहीं होती। हाँ, तो चिप्स है, बिस्किट्स हैं, मूंगफली है, नमकीन है, मखाने हैं, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब सामान हमने सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। और मेरा बेटा बहुत फूडी है तो उसने तो घर से निकलने के बाद ही अपना फूडी ट्रिप स्टार्ट कर दिया है कि अब तो मैं छुट्टी पर हूँ, अब तो मैं ट्रिप पर हूँ, अब तो मैं बहुत कुछ खाऊँगा। सो पहले हमने ढाबे पर लंच किया, फिर देर रात डिनर किया, देन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, बहुत कुछ था, काफ़ी सारी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट की, तो उसने काफ़ी अच्छा हैवी तगड़ा ब्रेकफास्ट भी किया है। उसके बाद उसके पेट में कुछ कुछ गड़बड़ होने लगी, बट ही वॉज नॉट शेयरिंग इट, क्योंकि उसको मालूम था अगर उसने हमसे बता दिया कि उसके पेट में गड़बड़ हो रही है तो शायद उसके खाने पीने पे कंट्रोल हो जाएगा। एंड ही वॉज हैविंग हिज चिप्स जूस भी सब कुछ ले रहा था। और हुआ ये कि हैदराबाद पहुँचने से पहले पहले रास्ते में उसके पेट में गड़बड़ी स्टार्ट हो गई। तो मेरे ये सारी बातें शेयर करने का पर्पस ये है कि हमें, क्योंकि एक लंबा समय मस्ती में बिताना है, तो हमें उस समय को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम ऐसा कुछ ना करें, एहतियात बरतें कि हमारी ट्रिप ख़राब ना हो जाए। यही चीज़ मैंने बेटे को समझाई, और हैदराबाद की प्लानिंग हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी है और स्पेशली वो फूड बेस्ड प्लानिंग है, तो उसे समझाया कि बेटा अगर यहाँ हम थोड़ा सा रास्ता भटक रहे थे कि जाना गए, तो ये पुलिस वाले हैं ना, इनसे हमने रास्ते के लिए गाइडेंस लिया, क्योंकि आप GPS पे 100% यकीन नहीं कर सकते। और फिर अब आप ऐसे जोन में आ गए हैं जहां आप शहरों के नाम ना तो पढ़ सकते हैं ना प्रोनाउंस कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा, अगर आगे आपको विजिबिलिटी हो बोर्ड्स की तो नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, हम लोग उनको पढ़कर पूछ नहीं सकते कि अब हम जा कहाँ रहे हैं, कैसे पूछें। सो यहाँ इवैन का पेट गड़बड़ होना शुरू हुआ, एंड हैदराबाद एंटर करने से पहले उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, उसे वॉमिटिंग होने लगी, एंड ही वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको हैदराबाद पहुँच कर वहाँ पर हैदराबादी बिरयानी, मंदी, कबाब, कई सारी चीज़ें थी जो उसने गूगल पे से या यूट्यूब के वीडियोज़ पे से देख कर रखी हुई थी कि मैं ये सब कुछ टेस्ट करना चाहूँगा, बट पुअर माई चाइल्ड, वो ये सब नहीं कर पाया। एंड देन ही रियलाइज कि यस मम्मा, मुझे इस बात का ख्याल रखना है। एंड वाई ही वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो है हैदराबाद के बाद उसे साउथ इंडिया शुरू हो जाएगा और हैदराबाद के बाद उसे कहीं नॉन वेज खाने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज़ बिग फैन ऑफ नॉन वेज। उसे ये लगा कि मम्मा अब आप लोग साउथ में पहुंच के तो मुझे वही डोसा, वही इडली, वही सांभर, रसम चावल, यही सब खिलाओगे, मैं अब बिरयानी नहीं खा पाऊँगा, मैं चिकन मटन कुछ नहीं खा पाऊँगा। एंड वी वर लाफिंग एट हिम, एंड देन वी एक्सप्लेन कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, साउथ में भी बहुत अच्छा खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है, और वहाँ हम तुम्हें इडली डोसा खिलाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, तुम वहाँ पर भी बहुत अच्छे से खाना खा पाओगे, बट अब क्योंकि तुम्हारा पेट ख़राब हो गया है तो तुम्हें थोड़ा तो
सावधानी रखनी पड़ेगी, मेडिसिंस लेना पड़ेगी और कुछ समय के लिए खाना खाने से तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। एंड इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिम, और वो बिल्कुल भी समझना नहीं चाह रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, यही उसकी लाइन थी जो वो लगातार बोले जा रहा था। सो देखिए कितना अच्छा व्यू है, और ये पूरा जंगल का इलाका है, ये पूरा फॉरेस्ट है, आई थिंक तेलंगाना एरिया है ये पूरा, और काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, हमें पूरी ट्रिप में कहीं कोई ट्रैफिक नहीं मिला, स्मूथली ड्राइव करके हम गए हैं लकीली, और ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। हाँ, हैदराबाद इज़ अ बिग सिटी एज़ यू नो, यहाँ हम एंटर तो लगभग 4:30 बजे के करीब कर गए थे, बट बिकॉज इवैन की तबीयत ख़राब हुई तो थोड़ा समय हमारा वहाँ वेस्ट हुआ, क्योंकि उसे वॉमिट हुई तो हमें फिर रुकना पड़ा, फिर हमने पूरी गाड़ी क्लीन करी, उसको सेटल किया, उसके कपड़े बदले, एंड वो एक पूरा प्रोसेस था जिसे करने में काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया। और यहाँ से हमें हेल्प मिलने जा रही थी इनके ऑफिस के स्टाफ की, जो कि ड्राइविंग स्टाफ हैं काफ़ी समय से हैदराबाद में, और वो हमें आधे रास्ते में मिलने जा रहे थे, जो हमें गाइड करते होटल तक के लिए, और फिर वहाँ से जो भी जगह स्पॉट्स हमको देखने हैं वो सारी चीज़ें दिखाने में, गाइड करने में, 4 महीने तक हमको जाना था, तो वो मदद हमें मिलने वाली थी, लेकिन काफ़ी समय जो हमारा वेस्ट हुआ उसमें उन्हें भी हमारा काफ़ी वेट करना पड़ा। एंड द ट्रैफिक, उफ, ह्यूज, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, रेड लाइट इतनी ज़्यादा, हर कुछ ही मिनट पे रेड लाइट थी। और आप ये देखें, हम ये हैदराबाद पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हमारी होटल पहुँचने में हमें रात हो गई, काफ़ी सारी प्लानिंग हमारी जो थी वो डिस्टर्ब होने के चांसेस थे, बट बहुत एडवांस प्लानिंग नहीं थी, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत डिसअपॉइंट हुए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़े से समय में थोड़ी सी ही प्लानिंग थी, और उसमें से कुछ एक दो चीज़ें मिस हो गई, जैसे बारिश होने लगी थी तो बाज़ार जो था वो काफ़ी कुछ बंद हो गया था, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हमने सोची थी वो हम हैदराबाद में कर सके, एंड इट वॉज रियली गुड टाइम, वी स्पेंट अ वेरी गुड टाइम इन हैदराबाद। बट फिर से वही कहूँगी, हैदराबाद का ट्रैफिक, एंड क्योंकि इतनी बड़ी सिटी है, कहीं भी जगह जाने, किसी भी जगह जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो टाइम टेकिंग है, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तब तो ठीक है, टाइम अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, यू विल फील बैड कि क्या हुआ। और ये है हैदराबाद शहर, हम शहर में शाम को पहुंच चुके हैं, लेकिन देखिए रात होने जा रही है, अभी तक हम होटल नहीं पहुँचे। तो जो हमारे साथ भैया आए हैं इनके ऑफिस में, जो ड्राइविंग की पोस्ट पर काम करते हैं, वो हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, और वो हमें गाइड कर रहे हैं रास्ते में, एक गाइड की तरह वो हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं, कई सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे जो उन्होंने हमें बताए, कई होटल्स हैं फेमस, जैसे पैराडाइज होटल जहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, सेलिब्रिटीज़ आकर वहाँ पे बिरयानी खाते हैं, और मार्केट, कई सारी जगहें हैं यहाँ रास्ते में जो वो हमें बताते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें होटल जाके चेक इन करना है, तो हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी से चेक इन करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बस चेक इन करके हम सीधे डिनर के लिए जाएंगे, एंड देन बाज़ार भी जाएंगे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है तो चांसेस हैं कि हो सकता है बाज़ार हमको ना मिल पाए देखने को अच्छे से, हम शायद शॉपिंग, क्योंकि मैंने कुछ लिस्ट बना रखी थी, कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई थी जो जल्दबाजी में हम नहीं ले पाए थे, तो वी हैव डिसाइडेड कि हैदराबाद में मार्केट काफ़ी रात तक होता है तो हम यहाँ शॉपिंग करेंगे, बट अभी तो हम होटल ही नहीं पहुँचे, हमारा डिनर ही नहीं हुआ है, तो शॉपिंग तो मुझे नहीं मालूम कि कब हो पानी है। तो यहाँ की एक होटल है जहाँ हमने डिसाइड किया है डिनर करने का, एंड आई एम वेरी अपसेट क्योंकि वैन इज़ नॉट वेल और शायद वो डिनर नहीं कर पाएगा, और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ये वैन का पेट अपसेट होता है, स्टमक अपसेट होता है, तो मैं भी उसके साथ जब तक वो खाना नहीं खाता है, उसका पेट ठीक नहीं हो जाता है, मैं भी उस खाना नहीं खाती हूँ, बट यहाँ अभी मैं बहुत दुविधा में हूँ। ये है होटल शादाब जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना है, और यहाँ हम जाने वाले हैं डिनर के लिए, और ये वैन और उसके पापा काफ़ी एक्साइटेड थे। अब जैसे आप देख रहे हैं ये पिक्चर्स हमारे डिनर टेबल की हैं, और ये तो तरह तरह की वेराइटी की चटनियाँ हैं, ये हमने कुछ ही चंद चीज़ें ऑर्डर करी थी,
चिकन का कुछ एक तंदूरी चिकन कुछ फेमस है, कुछ नाम था उसका, एंड मटन के कबाब थे एंड बिरयानी जो वहाँ की कुछ खास फेमस चीज़ें हैं। क्योंकि बेटा हमारा नहीं खा पा रहा है तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे। एंड ही वॉज़ लाइक, मम्मा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं नहीं खाऊँ और आप खा रही हो, आप बहुत गंदी मम्मा हो। सारे डायलॉग्स उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके सुनाए हैं। बट येस ऑफ कोर्स, अगर मैं भी नहीं खाती तो पापा भी अपसेट हो जाते और फिर वो भी कुछ नहीं खाते और ये टाइम हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। आप सामने देख सकते हैं चार मीनार है, हम चार मीनार की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो खुली रहती हैं पर अभी बंद हो गई हैं क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी, रुक रुक कर यहाँ बारिश हो रही थी, तो उस चक्कर में लोगों ने दुकानें समेटना शुरू कर दी। हमें चूड़ियाँ ख़रीदनी थी, ड्राइवर भैया हमारे पीछे पड़े हुए थे कि भाई यहाँ की चूड़ी ज़रूर लेके जाना। तो मेरे घर में दो छोटी बच्चियाँ हैं, मैंने सोचा मैं तो नहीं चूड़ी पहनती, उनके लिए ज़रूर लेकर जाऊँगी। और सचमुच जब मैंने यहाँ से चूड़ी ले जाकर उन्हें दी, दे वर वेरी हैप्पी। सो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिल रही हैं। पर अब रात हो चुकी है, काफ़ी रात हो चुकी है, तो मुझे नहीं पता कि मेरा पर्ल ख़रीदने का सपना कितना पूरा हो पाएगा क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो रही हैं। और अभी हमें चार मीनार भी जाना है, वहाँ शूटिंग भी करनी है। शूटिंग तो ऐसे जैसे सेलिब्रिटीज़ को शूटिंग करनी है, नहीं, कुछ कुछ पिक्चर्स लेनी है। अब वहाँ तक आए हैं तो चार मीनार की पिक्चर नहीं ली तो फिर क्या लिया। कुछ कुछ खाने की चीज़ें हमने यहाँ से पैक करवाई, जो ब्रेड्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट वेराइटी की ब्रेड्स हैं। और यहाँ से मैंने चूड़ियाँ ली थी, आई थिंक हाँ यही शॉप थी, यहाँ से मैंने चूड़ियाँ खरीदी। ये देखिए मैं शॉप के अंदर जाते हुए, हालत बहुत बुरी हो रखी है सफ़र के बाद और चेंज भी नहीं किया है, मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया है, तो कैमरे का जो फोकस है वो फ्रंट है, बैक साइड नहीं कर सकते वरना मैं खुद भी डर जाऊँगी अपने आप को देख कर। तो इसीलिए हम जो है सिर्फ मार्केट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमारे साथ आप भी आ जाएं, देख लें, काफ़ी सारी खूबसूरत चूड़ियाँ थी, लाख की चूड़ियाँ। जब मैं छोटी थी तो अक्सर चूड़ी वाले लेकर आया करते थे और बोलते थे ये हैदराबादी लाख है, तब नहीं समझ में आता था। ये छोटे छोटे हेयर बैंड्स, क्लिप्स, अलग अलग तरीके का सामान है, तो ये सब गौर फरमाते हुए, बट कुछ ज़्यादा ख़ास मुझे पसंद नहीं आया था। बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत सामान हम ले सकते थे वो हमने लिया। देन वी मूव्ड अहेड यहाँ से चूड़ियाँ लेकर, मोती की एक नेकलेस मैंने अपनी बच्चियों के लिए ली, मेरी एवलिन और एवलीना के लिए। अभी बारिश रुकी हुई है तो थोड़ा सा हमने शॉपिंग कर लिया। अब ये चार मीनार, अच्छा है कि हम यहाँ रात के समय में आए क्योंकि अगर हम दिन में आते तो यहाँ बहुत भीड़ होती, बहुत रश होता है यहाँ पे, और शायद हम इतने अच्छे से चार मीनार, हाँ रात का समय अलग है बट यहाँ ऊपर का एरिया जो आप देख रहे हैं खुला हुआ होता है, दिन के टाइम में ये ऊपर तक हम जा सकते हैं चार मीनार। ये पूरी तंग गलियाँ, इनके भी अपने मज़े हैं। अमीनाबाद की याद आ रही थी मुझे यहाँ पे, हाँ अमीनाबाद के किसी एंड पॉइंट पे चार मीनार नहीं है, बाकी बाज़ार तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये देखिए बारिश होते हुए, हल्की हल्की बूंदी पड़ रही है। और हमने यहाँ से बहुत अच्छे छाते भी लिए, अच्छा हुआ कि हमारे दिमाग में आ गया कि अब हम, ये देखिए देख रहे हैं अब अम्ब्रेला, जो रेनबो स्टाइल सफाई अभियान जारी, शाम दिन भर की पूरी गंद साफ करते हुए। और काफ़ी सारी दुकानें शॉप्स यहाँ पे अभी खुली हुई थी, हम कर पाए अपनी शॉपिंग, बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत कर पाए। खूबसूरत चार मीनार, दिन में आए होते तो हम यहाँ ऊपर तक जा सकते थे क्योंकि ये एरिया जो है पूरा ये खुला हुआ होता है और आप ऊपर तक जा सकते हैं, शायद ये वाला ऊपर का एरिया बंद है, यहाँ नहीं जा सकते, बट इस इतने पार्ट में जहाँ ये क्लॉक लगी हुई है यहाँ तक तो हम जा सकते हैं। अपने आप में जब आपके पास बहुत सारा समय हो तब ठीक है, तब आप आइए, रुकिए, हैदराबाद घूमिए, हर
जगह पर जाइए, शॉपिंग करिए, एंड इट इज़ ओके. बट वैन यू डोंट हैव टाइम, मच टाइम, देन दिस इज़ आर फैमिली पिक्चर. नहीं, इवू के पापा एंड इवैन एंड पापा, दिस इज़ आर फैमिली पिक्चर. और अब बारिश जो है यहाँ बढ़ने लगी थी, तो हमने जो छाते लिए उसका यूज़ वहीं हो गया. ये ब्यूटीफुल चार मीनार रात में भी अच्छे से चमकता हुआ. यहाँ पूरा सफ़र करने के बाद जब बारिश बढ़ गई तो फिर हम आगे कहीं नहीं जा पाए और हमें फिर अपनी होटल की तरफ बढ़ना पड़ा, क्योंकि हमने सिर्फ चेक इन किया था और सामान रखा ही था, ठीक से होटल देखी भी नहीं थी. देखिए पूरा मार्केट अभी भी, इस समय लगभग रात का 10:30-11 बज रहा है और शायद 11:30 बज रहा होगा. इतना टाइम यहाँ हो चुका है लेकिन अभी भी रौनक है बाज़ार में. बारिश हो रही है, रात भी हो गई है, लेकिन तब भी यहाँ रौनक है, लोग यहाँ घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं. तो दोस्तों अभी हम हैदराबाद की होटल में पहुँचेंगे. और ये मैं अपना चेहरा छुपाते हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. टिल देन, बाय बाय.